और उसका बच्चा जल्दी से कूद करके उसके ऊपर में या तो ऊपर से या पीछे से पकड़ लेगा अपने हाथों से और पैर से चिपक जाए और वो छलांग लगाएगी इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस घर से उस घर में, किंतु वो गिरेगा नहीं और वो लेकर के चलेगी। ये मैया कुछ नहीं करती, बेटा पकड़ कर रखता है और ये छलांग लगाती है, किंतु यदि गिर गया तो क्या हुआ, फिर उसको ग्रहण नहीं करेगी चाहे वो मर जाए। और बिल्ली क्या करती है, बिल्ली का बच्चा मैं करता है, वो कुछ नहीं करता, यदि जाना भी होगा तो कुछ जाएगा नहीं, मैया को नहीं पकड़ेगा, मैं कर करके वहां पर बैठा रहेगा, रोता रहेगा और उसकी मैया उसे अपने मुख से पकड़ लेगी और पकड़ करके दौड़ती हुई यहां से वहां तक चली जाएगी। क्या तात्पर्य, हमको साधन भजन करने की जरूरत नहीं है, भगवान की जब कृपा होगी, भगवान बड़े कृपालु हैं, उनसे उनको हम पालेंगे, हम कुछ साधन भजन नहीं करेंगे। ऐसे लोग लाखों जन्म में भी भगवान को नहीं पाएंगे जो भगवान के कृपा ऊपर में बैठते हैं और अपने साधन के द्वारा भी नहीं, जैसे कि बंदर का बच्चा पकड़ लिया, ऐसे नहीं, दोनों मिलकर के अपना साधन भी होगा और भगवान की कृपा उन पर होगी। एक आदमी कुएं में गिर पड़ा, एक आदमी ने दया करके ऊपर से रस्सी पकड़ा, गिराया, इस रस्सी को पकड़ लो मैं जो खींच लू, यदि रस्सी नहीं पकड़ता है तो नहीं निकलेगा। भगवान की कृपा सर्वत्र सब पर है, इसलिए उसके लिए साधन करो, इसलिए बिना साधन के नहीं होगा, वो भी साधन अपने मन से करने से नहीं होगा, कैसे होगा, जो शास्त्रों में बतलाया गया है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने जिसको भक्ति के लिए कहा है, कोई भी भक्ति के लिए भगवान की सेवा करके कामना मत करो जागृति, ज्ञान कर्म इत्यादि योग से भक्ति को मत ढको, उसके द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे, कोटि कोटि तपस्या से, यज्ञ से, व्रत से, होम से, स्वाध्याय से, बहुत पढ़ने से, संस्कृत इत्यादि पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान के शरणागत होकर के उनका नाम कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल, कलिकाल में विशेष करके भगवान का नाम करो, और ये भी नाम कैसे, जो सिद्ध महापुरुष हैं या भजन परायण हैं, भगवान का भजन करके अनुभूति है, शास्त्रों की समस्त शंकाओं को दूर कर सकते हैं और हमारे हृदय में भक्ति का संचार कर सकते हैं, संसार से वस्तुओं के प्रति उनकी ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुषों से हरि नाम लेकर के भगवान से संबंध जोड़ करके अनर्थों को दूर करके भगवान का भजन करो, नाम संकीर्तन करो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने विश्व में प्रकट होकर के अपने नाम का कीर्तन का प्रचार किया और उसी के माध्यम से दुर्लभ ऐसा जो प्रेम जो कभी नहीं भगवान ने दिया, ऐसे अनर्पित चार प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। आज हमने ये प्रेम की बातें कही, बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला, ढाई अक्षर प्रेम हो पढ़ा तो पंडित हो, ढाई अक्षर का प्रेम है ये पढ़ा तो पंडित, प्रेम ही हमारा धन है, वही हमारा संपत्ति है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा सब कुछ है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है, पशु है, इस चीज को समझो। किंतु अभी का जो प्रेम है ये सब नश्वर वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति लगा हुआ है, इस प्रेम को सुधार करके, संस्कृत करके, प्योर बना करके कृष्ण के चरण में लगाओ, देखो जिसे कृष्ण दूर नहीं है, जगत के लोगों के प्रति प्रीति करो किंतु यह प्रेम कृष्ण के प्रति हो, लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, इसलिए भक्त लोग लोगों के प्रति दया करते हैं, भगवान के साथ में प्रेम, और जो नहीं जानते हैं उन पर कृपा करते हैं, ये मध्यम अधिकारी भक्तों का लक्षण है, वो इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जगत के एक व्यक्ति को भी चित्त वृत्ति को भगवान के चरण में लगा दें, उसका जन्म जन्म सुधर जाएगा, इसके बदले लाख कोटि अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, दान करें, पुण्य करें, किंतु एक व्यक्ति को सहायता करके भगवान की तरफ में चित्त वृत्ति लगा दो, उसके बराबर कुछ भी नहीं आता। इसलिए आप लोग अपने घर का काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, किंतु भगवान का नाम स्मरण करें, कीर्तन करें, कलयुग में आज यही करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आज 9 बजे समाप्त करने की बात थी किंतु कुछ अधिक विलंब हो गया है, अभी कीर्तन करेंगे, आरती होगी, आप लोगों के लिए सब प्रसाद यहाँ पर प्रस्तुत है,
आप लोग साथ पाएंगे। हमने यदि कोई कटु बात कही हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, मैं कटु बात कहने के लिए नहीं आया था, आप लोगों को शिक्षा देने के लिए जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको बतलाने के लिए आया। यदि हमारी बातें आपको रुचिकर हो तो आज ही से भगवान का नाम आरंभ, कल से नहीं। कल को किसने देखा, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत कर। भगवान से प्रेम करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वो हमारे सर्वस्व है, उन्हीं से हमारा संपर्क। सारे भागवत का, सारे वेदांत का, वेद का यही सार तात्पर्य है, भगवान के चरणों में प्रेम से उनका नाम करो, कलयुग में इससे पढ़कर के यहाँ के पंडित जी हैं या यहाँ के सेक्रेटरी हैं, व्यवस्थापक, वो दो शब्द बोलना चाहते हैं, बोल लें तब फिर प्रस्तुति कर। आप पधारिए और दो शब्द आप बोलिए। हम लोग भी उनको धन्यवाद देते हैं, इस मंदिर के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सदस्य हैं और पुजारी जी हैं, उस सब लोगों ने जो ऐसा सहयोग किया, हम उनके आभारी हैं। हम प्रभु से उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, इनको भक्ति दें। परम पूजनीय श्री श्री भक्तिवेदांत महाराज जी और महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, देवी और सज्जनों, मैं श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फिजी की ओर से महाराज जी और उनके शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे देश में आकर लगभग एक महीने तक धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, प्रेम का प्रचार किया है। इन्होंने सिंगटों का बा नांदी सूबा लंबासा और लटोगा में प्रचार किया है। महाराज जी आपके प्रचार के लिए मैं धन्यवाद देने में असमर्थ हूँ कि आपने ऐसा धन हमें दान में दिया है जो कोई चुरा नहीं सकता है। हमारे जो पैसे हैं बैंक में रह जाते हैं, घरों में रह जाते हैं, मगर जब हम मरते हैं तो हमारे साथ नहीं जाता है। अगर आप जो दान हमको, जो ज्ञान हमको दिया है, ये हमारा साथ जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और परम पिता परमेश्वर से यही विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप की आयु लंबी हो, आपका तंदुरुस्ती बना रहे और आप दोबारा हमारे देश में लौट कर आए और हमारे जो सनातनी जनता है उनमें कुछ और ज्ञान दे ताकि वो धर्म नीति पर चले और अपने जो जीवन है उसको संवारने की कोशिश करें। साथ साथ में इस अवसर पर मैं श्रीमान कांति पूजा और उनको, उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम से महाराज जी और उनके जितने भी शिष्य है यहाँ पर आए और इन्होंने उनकी व्यवस्था की। साथ में डॉक्टर राजू और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बराबर सहयोग दिया। साथ में विष्णु मंदिर के कमेटी, यहाँ के प्रधान श्रीमान खाना भाई जी और उनके कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य जिन्होंने हमें इतना यह स्थान दिया धर्म प्रचार करने के लिए, साथ साथ लटोगा सनातन नारी सभा जिन्होंने सहयोग किया,
और कई ऐसे लोग होंगे जिनका नाम लेना नामुमकिन है, और अगर मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि कुछ नाम छूट जाएं, क्योंकि ऐसे कार्य के लिए बहुत लोगों का सहयोग होता है और बिना सभी के सहयोग से ये कार्य सफल नहीं होता। तो आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और देवी और सज्जनों आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, महाराज जी के सुंदर प्रवचन को सुने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, और अगर आप ना होते तो महाराज जी को प्रवचन करने में मजा ही नहीं आता। तो अंत में महाराज जी एक बार फिर मैं लडोका की जनता तथा पूरे फिजी के सनातनी जनता की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और यही आशा रखता हूं कि आप निकट भविष्य में फिर हमारे देश में पधारेंगे और हमें मुक्ति का मार्ग बताएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ फिजी आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक महाराज मोस्ट सिंसियरली एंड ऑल हिज disciples and devotees from India and also from abroad who have accompanied Maharaj to the shores of Fiji to guide us and to promote Sanatan Dharma in Fiji. Thank you very much. Thank you.
Yes. 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 Yes.